रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला। तीन एमपीओ के तहत नज़रबंदी के खिलाफ पेश की अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का किसी भी शख्सियत को किसी भी वक्त बगैर इजाजत नज़रबंद करने का इख्तियार बहाल हो गया है। अदालत ने फरीकैन से दो हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए फैज अहमद हमारे साथ मौजूद है। फैज अहमद बताएगा इस हवाले से। जी, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी के डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला, थ्री एमपीओ नजरबंदी के खिलाफ पेशगी अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सिंगल बेंच इस फैसले की मुअत्तली से नजर बंद 57 पीटीआई कारकुनान की दिहाई भी लटक गई। डिप्टी कमिश्नर का किसी भी शख्सियत और कारकुन को किसी भी वक्त बगैर इजाजत नजरबंद करने का इख्तियार बहाल हो गया है। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस जवाद मिर्जा वकास राउत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने डिप्टी कमिश्नर की अपील पर फैसला मुअत्तल किया। डिवीजन बेंच का फरीकैन को नोटिस दो हफ्तों में जवाब तलब कर ले गया। अपील की आइंदा सुनवाई सितंबर के पहले हफ्ते में मतवक्का है। बगैर वजह बताए नजरबंदी आयन और कानून इख्तियार देता है, जिसे खत्म या मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नजरबंदी आप हमें तफसीलात से आगाह करें।